My cases are in the courts, from Session Court, High Court to Bandra Court. My cases are running. Basic case था domestic violence का. मैंने actually तलाक मांगा था because I was not happy in the marriage. तो I wanted a peaceful divorce. तो वो हुआ नहीं. तो कुवैत में मैंने डिवोर्स का पहला फाइलिंग स्टार्ट हुआ वहाँ पे. फिर हम इंडिया में आके मैंने डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया केस, बिकॉज वहाँ पे जस्टिस ऑलमोस्ट मिलके भी नहीं मिला. लाइक इट्स लीगली आई गॉट द कस्टडी ऑफ माय चाइल्ड, बट बिकॉज माय सन इज़ ब्रेन वॉश्ड अगेंस्ट मी, तो उसने मना किया मेरे साथ आने के लिए. तो पुलिस ने बोला हम आपको फोर्सफुली आप उसको लेके नहीं जा सकते. सो फिर मुझे किसी ने बोला आप इंडिया आके डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कीजिए. तो फिर आई केम डाउन इन इंडिया एंड आई फाइल द केस. तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की जो एडवोकेट्स है वो हमेशा कोर्ट में झूठ बोलती रहती है मेरे बारे में. मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, बोलती है कि मुझे कुवैत में अरेस्ट किया था, मैं जेल में थी, मुझे डिपोर्ट किया गया था वहाँ से. मैंने बोला जैसा आप मेरा पासपोर्ट देख लो, आप वहाँ से चेक करवा लीजिए, मैं वहाँ पर जेल में नहीं थी. तो बेसिक होता है कि ये सब जब मेरे केसेस चल रहे थे, मैंने अपना केसेस स्टडी किया और ख़ुद लॉ स्टडी किया, बिकॉज मेरे एडवोकेट्स मेरे केसेस को सही से नहीं लड़ रहे थे. तो आई वॉज स्टडिंग माई ओन केस एंड फाइटिंग माई केसेस इन बिटवीन एट द सेम टाइम. तो वहाँ पे मुझे पता चला परजूरी करके एक सेक्शन आता है, जहाँ पे कोई भी एडवोकेट अगर झूठ बोलता है तो वो साबित करने के लिए ये सेक्शन फाइल करना होता है. तो वो मेरे किसी एडवोकेट ने फाइल नहीं किया था. तो मैंने बस यही बात किया है मेरे बुक में कि एक एडवोकेट जो मेरे खिलाफ खड़ी है, मेरे एडवोकेट को मेरे हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, पर वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है कोर्ट में और मैं इतनी हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ. तो एक बार तो इस हद तक चली गई, वो उसने झूठा केस मेरे ऊपर डाल के मुझे जेल में डाल दिया. उसने 40 डेज में अंदर थी, एक छोटी सी मारपीट जो होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 दिन होते हैं. मुझे पुलिस स्टेशन में भी बताया गया था और अंदर जेल में भी लोगों ने बताया था कि तू कल ही निकल जाएगी, ये छोटी मोटी मारपीट में ज़्यादा दिन नहीं रहते कोई यहाँ पे. तो 40 डेज में अंदर थी, मेरी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुई. मैंने जैसा आपको लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में समझाया कि ये झूठी FIR है, मैंने उसको नहीं मारा है, मेरे पास खंजर नहीं था जो FIR चार्जशीट में लिखा गया है. अब फिर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुई तो मैं अंदर गई. फिर बेल के लिए अप्लाई किया एडवोकेट ने, वो रिजेक्ट हुई लोअर कोर्ट में. कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में किला कोर्ट में जज साहब को इंसिस्ट किया आप मेरा CCTV फुटेज देखो, बिकॉज पुलिस ने वो CCTV फुटेज विद इन 1 वीक ऑफ द इंसिडेंट देख लिया था. इंसिडेंट हुआ था जैन में, 19 जैन, और विद इन 1 वीक पुलिस वालों ने मेरा CCTV फुटेज दे हैड सीन. उन्होंने खुद बोला कि इसमें तो पता चलता है आपने कुछ गलत नहीं किया, ये पूरी झूठी FIR है. पर कोर्ट में वो CCTV फुटेज बहुत लेट आई मेरे अंदर जाने के बाद. पर जब जज ने वो देखा तो मुझे बेल दिया, तो मैं बाहर बेल पे आई हूँ, जबकि एक्चुअली मुझे डिस्चार्ज मिलना चाहिए बिकॉज वो केस पूरा झूठा केस है. तो मैं यही बता रही हूँ कोर्ट में कि एक एडवोकेट ने झूठी FIR की है और कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है. वो मेरा हक छीन रही है, वो मेरा मेंटेनेंस का हक छीन रही है, मेरे बच्चे को मिलने का जो माइनर है बिलो 18 है मुझे उसको मिलने के लिए मना कर रहे हैं. तो मैं बस वो जस्टिस की लड़ाई लड़ते लड़ते इतनी थक गई हूँ कि अभी मैं सोचा कि सोसाइटी में मुद्दा मैं उठा दूँ, बिकॉज आई एम अ नॉर्मल सिटीजन. यहाँ पे क्लियर कट एविडेंस है, एक एडवोकेट ने झूठी FIR की है, एक आम जनता को समझ में आ रहा है, पर एडवोकेट और जजेस और बार काउंसिल कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है. तो आई वॉज लाइक देन आई जस्ट थॉट ऑफ गेटिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड गेट दिस आउट इन द पब्लिक, बिकॉज कहीं ना कहीं पब्लिक सपोर्ट से मुद्दे उठते हैं सोसाइटी में, इंडिया में कहीं ना कहीं उसका दिशा बदलता है. सो आई एम होपिंग दिस कॉन्फ्रेंस विल गिव मी सम जस्टिस. एक चीज ये समझना चाह रहा था कि हमने जो सुना है और जो इंडिया में लोग जानते हैं कि जब भी कोई महिला अपने केस फाइल करती है उसके फेवर में सारे फैसले आते हैं कि आपके सदस्य मिलकर, जो कि कोर्ट जो है महिलाओं को ज्यादा फेवर करती है ऐसा हमने सुना है और ऐसा आता भी है. आपके केस में कुछ अलग सुनाई दे रहा है? येस, दैट्स व्हाट. मेरे केसेस में मैंने 20 एडवोकेट्स हायर किए और जिन्होंने मेरा केस नहीं लड़ा है उन्होंने भी यही बोला है कि अभी तक जज आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर क्यों नहीं पास करे. वो लोग खुद शॉक्ड है कि एटलीस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर तो आपका हक बनता है. आई एम स्टिल लीगली मैरिड, उसने दूसरी शादी की है, उसने एंटीसिपेटरी बेल नहीं ली है, वो कानून की तरफ से फरार माना जाता है. पर मेरे केस में ना डोमेस्टिक वायलेंस में मुझे मेंटेनेंस मिला है, ना बैंडा कोर्ट में CRPC 125 उसमें भी मेंटेनेंस मिला नहीं है अभी तक. उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है वो सीज करके भी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है. मतलब कहीं पे भी जस्टिस 3 साल हो गए, मैंने अभी तो केसेस भी बंद कर दिए, सिर्फ बैंडा कोर्ट का पेंडिंग रखा है.
बिकॉज मेरे हस्बैंड ने कहीं ना कहीं बोला कि अगर तू केस बंद करेगी तो तुझे बेटे से बात करने दूंगा, तो वो शर्त तो मैंने पहले से ही बोला था कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, मुझे तेरी आई डोंट वॉन्ट मनी, यू गेट मी द राइट टू सी माई सन टू स्पीक टू हिम। तो वो कंडीशन पे मैंने दो केसेस तो बंद कर दिए। बांद्रा में अभी ओपन है मेरा केस, थिंकिंग दैट ये आई विल कीप इट ओपन टिल ही डज नॉट कम डाउन टू इंडिया, लेट मी सी माई सन, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ही पुट मी कि आप बंद कर दो केस, बिकॉज वो फरार है तो 498 की वजह से वो इंडिया नहीं आ सकता है। तो मैंने वो बंद किया तो वो बोला मैं इंडिया में आऊँगा तो यू कैन मीट योर सन। अभी आई एम वेटिंग कि वो आ जाए, बंद तो कर दिया है मैंने दो केसेस 498 और डोमेस्टिक वायलेंस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एविडेंसेस मैंने केस बंद किया है, विच इज़ अ वेरी बैड, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग इन स्पाइट ऑफ एविडेंसेस। एक्चुअली मैंने तो 3 साल से मैंने सोचा था मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी, बिकॉज बुक्स आर ऑलवेज अलाइव थ्रू आउट योर इवन वंस यू डाई, बुक्स है, मूवीज़ है, ये हमेशा ज़िंदा रहती है, इंसान को ज़िंदा रखती है। तो मैंने पहले फेसबुक पे लिखना शुरू किया, सोशल मीडिया पे अपने बारे में रोज़ मैं पोस्ट करती थी, फिर देन आई थॉट कि अभी मुझे बुक लिखना होगा, आई थिंक दिस इज़ वन, बिकॉज जब मैं जेल में थी मैंने अरुंधति रॉय जी की एक बुक थी एलजीब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, जो नर्मदा डैम के बारे में बात कर रही थी, कितना इनजस्टिस हुआ नर्मदा डैम जब बन रहा था, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं अपनी बुक लिखूंगी जहाँ पे कोर्ट का इनजस्टिस में एक टॉपिक लिख के आई विल राइट द बुक। सो इसके लिए मैंने ये बुक लिखी है कि कितना इनजस्टिस है मेरे केस में, वो क्लियरली एविडेंस अवेलेबल है, मैंने क्वेश्चंस थ्रो किए रीडर्स को, आप ही देख लो कि ये लॉ ऐसा बोल रहा है फिर भी मुझे एक भी कहीं पे भी जस्टिस नहीं मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ द लॉ सेइंग, मतलब आई ऑलवेज प्रेज द इंडियन जुडिशरी, आई थिंक सम एडवोकेट्स से कि इंडियन जुडिशरी स्लो है, लॉ सिस्टम सही नहीं है, लॉज आर नॉट गुड, बट आई डोंट एग्री, आई थिंक हमारी इंडियन जुडिशरी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे लॉज है हमारे, पर एडवोकेट और जजेस उसको सही से वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो मेरे केस में वही हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ एविडेंसेस वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो आई हैव क्लोज्ड इट राइट नाउ टू ऑफ माई केसेस, एंड दिस इज द बुक दैट टॉक्स अबाउट दैट नो एडवोकेट कैन लाई एंड नो एडवोकेट कैन डिफेंड द कल्प्रिट, बिकॉज उसका सेक्शन होता है परजुरी, जो उसको सपोर्ट करते हैं कि एडवोकेट झूठ नहीं बोल सकता है कोर्ट में, आप किसी कल्प्रिट को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते हो आप कोर्ट में। तो जो ज्यादा मैंने जो बुक थी फिलहाल तो अभी जो बुक रीडर कम है, लेकिन आपने बुक छापा इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। बहुत मुश्किल होता है लिखना और उससे मुश्किल है रीडर पाना, बहुत कम रीडर है, तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये जानना चाहूँ कि जब बुक बनती है तो आम जनता के हित के फायदे के लिए क्या इस पुस्तक के जरिए जो कुछ महिलाएं जिनके साथ कुछ ऐसी घटना डोमेस्टिक वायलेंस की होगी उनको इससे फायदा होने वाला है? मैं एक्चुअली आई एक्सपेक्ट कि हर कोई अपनी किताब लिखना चाहिए जिन्होंने इनजस्टिस कोर्ट के थ्रू फेस किया है, तो लोगों को पता चले कि हमारे साथ कितना गलत होता है, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस तो मिल जाता है पर इतना कम मिलता है, उनको धक्के खाने पड़ते हैं रोज़ कोर्ट में कि इतना मेंटेनेंस क्यों कम दिया है जबकि मेरा पति इतना ज़्यादा कमा रहा है, तो मिलने के बावजूद भी वो मेंटेनेंस इट्स नॉट जस्टिफाइड, बट स्टिल दे कम कि कुछ तो मिला, मेरे केस में तो वो भी नहीं है। तो आई एक्सपेक्ट कि एवरी सिटीजन शुड नो वॉट इज देयर राइट्स, दे शुड स्टैंड फॉर देयर राइट्स एंड राइट देयर ओन बुक्स, मे बी समवेयर द पीपल विल अवेकन, द कोर्ट सिस्टम विल कम टू नो कितना इनजस्टिस क्यों हो रहा है, इतने क्रॉस ऑफ केसेस पेंडिंग क्यों है इंडिया में इन स्पाइट ऑफ द जुडिशरी बींग सो गुड। एक और सवाल जो मेरा है, अगर गलत हूँ या मुझे ज्यादा उसकी जानकारी नहीं, आप बता सके इस्लाम का जो एक नियम होता है और एक हिंदू कोर्ट का नियम होता है, जो कुछ उसके जो आपके खिलाफ फैसला आ रहा है या आपका फेवर नहीं हो रहा है, क्या ये एक रीजन है कि इस्लाम और हिंदू के अलग अलग कुछ नियम हैं वो आगे आ रहे हैं क्या? नो, बिकॉज मैंने डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया है, तो मैंने ऐसा कुछ भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से कोई कहीं पे फाइल नहीं किया है केस। डिवोर्स के लिए जनरली लोग अपने रिलीजन के अंदर फाइलिंग करते हैं, पर मैंने वो नहीं किया, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया विच हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन, सो वो एंगल नहीं है मेरे केस में। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस एडवोकेट जिसने मेरा हक छीना है और उसने झूठी FIR की है, बिकॉज ऑफ द CCTV फुटेज आई एम आउट, नहीं तो मैं अंदर 8-10 साल रहती तो अंदर ही जेल में मर जाती मैं इस सदमे से। सो आई वुड वॉन्ट द जुडिशरी, एनीबडी लिसनिंग आउट देयर, दैट दिस एडवोकेट शुड बी अरेस्टेड बिकॉज शी फाइल्ड अ फॉल्स केस, शी इज मिसयूजिंग द पावर बींग एन एडवोकेट विच इज नॉट राइट, आई वुड वॉन्ट हर टू बी अरेस्टेड। सर आपसे जानना चाहूँगा
जरा अपने क्या संबंध महात्मा जी के साथ है और आप इनकी जो मुसीबतें हैं आप उनको किस प्रकार से करते हैं जरा दर्शकों को जानते हैं। एक्चुअली मैं एक फिल्म डायरेक्टर होने के नाते फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो लोग जानते हैं कि अज़हर हुसैन लोगों के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो फातिमा जी के केसेस को मैं 3 साल से स्टडी कर रहा था कि 3 सालों से ये इंडिया और कुवैत से किस तरह से वो ट्रैवल कर रही है, किस तरह से परेशानियों से जूझ रही थी। बट फाइनली अभी मैंने सीरियसली इन चीज़ों को, क्योंकि जब इन्होंने किताब लिखा इनजस्टिस तो मुझे लगा कि जस्टिस की जो ज़रूरत है हिंदुस्तान में, लोग अक्सर इससे मतलब परे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि देश के अंदर में हर तरह का धर्म है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिक्स रहते हैं, हर किसी का अपना एक अलग अपना अपना एक हक है कि अब उनको एक समाज में उनको इंसाफ मिले, अपनी परेशानियों से वो बाहर निकाले जाए। क्योंकि फातिमा जी के अंदर पर्सनली ये था कि उनके परिवार में जैसे कि उनके हस्बैंड हैं, उनके हस्बैंड के साथ में इनका जो प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम के बाद उन्होंने अपनी कोर्ट में फाइल किया कि मैं आपसे डिवोर्स लेके सेपरेट होना चाहती हूँ और डिवोर्स में उससे बिना पे दूंगी जहाँ पे मुझे मेरे बेटे की कस्टडी दी जाए। बट उनकी बेटी की कस्टडी उनको नहीं दी गई और एक तलाक इनका हो गया और उसके बाद ये इंडिया आती हैं और इंडिया में यहाँ पे केस फाइल करती हैं कि मुझे इंसाफ मिले। वो इंसाफ भी इनको नहीं मिल रहा है और जो कोर्ट के अंदर में जो वकील हैं वो इनके खिलाफ चले जा रहे हैं, क्योंकि आगे से कहीं ना कहीं प्रेशर हो रहा है कि इनके केस में ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए या फिर जिस तरह से वो केसेस लड़ रही हैं उस केसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि जो इनके अपोजिट में जो दूसरे एडवोकेट हैं वो कहा जाता है कि उस कोर्ट के चैम्बर के कुछ सीनियर हैं, जिसके वजह से कोई दूसरा एडवोकेट खड़ा नहीं हो रहा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी एडवोकेट को लेकर अगर कोई केस अगर लड़ना चाह रहे हो, अगर इंसाफ के लिए लड़ रहे हो, तो ये इनका पूरा हक बनता है कि अपोजिट में कोई भी खड़ा हो, इंसाफ चाहिए। तो अगर फातिमा जी अगर यहाँ तक पहुँची हैं और ये हमारी बुक इनजस्टिस अगर मार्केट में पब्लिश हो रही है, ये आपके लिए है। अगर आपको कहीं ना कहीं स्टोरी पढ़ के लगती है कि फातिमा जी को इंसाफ मिलना चाहिए तो डेफिनेटली हम इनके साथ हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सपोर्ट करें इन चीज़ों के लिए कि वकील जो कोर्ट रूम के अंदर में एक सही इंसान के खिलाफ होकर जो लड़ रहे हैं वो गलत है। एक सही इंसान को सपोर्ट करो, उनको जस्टिस दिलाओ, उनको इंसाफ दिलाओ, ये हम सबका मोटो है। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जिन लोगों के केसेस कितने सालों से पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट के अंदर में, जिससे कोई सुनवाई नहीं है, पर अब अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारे साथ तो अगर होता तो हम लोग सहने की वो चीज़ें मतलब कैपेसिटी है थोड़ा सह लेते, चक्कर काट लेते, धक्के खा लेते कोर्ट के, तारीख के, हर चीज़ों के। पर एक औरत किस तरह से जाएगी कोर्ट के चक्कर काटने के, किस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट उसको मिलेगा इस जगह पे, ये इस कंडीशन पे आज खड़े कि इनकी फैमिली भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है इन चीज़ों का कि जहाँ पे एक लेडी अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है उस जगह पे अगर समाज या फिर कोई गवर्नमेंट या कोई भी कानून सपोर्ट नहीं कर रहा तो इन्हें यहाँ पे आगे आना पड़ेगा और हम जैसे दोस्त इनके आगे सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे हमेशा। सबसे पहले बात कहना चाहता हूँ, फातिमा आज एक हमारे समाज की एक ऐसी महिला है जो एक ताकतवर इंसान से लड़ रही है। हमारे देश में नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन होता उसके उलट है। हमें लगा पता कि अजहर ने इनको सपोर्ट किया है, अजहर मेरा भाई है छोटा और अच्छी डायरेक्शन करता है, डायरेक्टर है इंडस्ट्री में। उसने बोला भाई ऐसे ऐसे कहानी है, एक हमारी मिलने वाली दोस्त है, उन्होंने ये बुक लिखी है। अब इस बुक के अंदर सैकड़ों पन्ने हैं, हर एक पन्ने पे इनका दर्द लिखा होता है। एक महिला इस देश से शादी करके दूसरे देश में जाती है, ना यहाँ खुश रह पाती है ना वहाँ रह पाती है, हार थक के वहाँ से लौटती है तो क्या मिलता है, जेल, वो भी 40 दिन की, बेटे से मिलने नहीं दिया जाता है। तो कानून बचा कहाँ है? कानून के रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कानून बचता नहीं है। आने वाले टाइम में क्या होगा? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 10-20-50 हजार लोग देखेंगे, जब ये हार थक जाएंगी आत्महत्या करेंगी और एक मोमबत्ती जला करके सब लोग बोलेंगे बहुत अच्छी थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं तो इनकी बुक को जाकर के अमेज़न पे पढ़िए, इनके दर्द को जानिए। ये देखिए कि एक महिला माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है। अगर महिला नहीं बचेगी तो कैसे माँ पाओगे, कैसे बेटी पाओगे, कैसे बीवी बनाओगे? तो किसी के दर्द को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे कानून के भक्षकों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्यों? वो अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपने रुतबे के कारण, ज्यादा पैसा होने के कारण। ऐसा नहीं है, कानून बचा हुआ, अच्छे लोग भी हैं देश में। सिर्फ एक ऐसा इंसान
अगर इन्हें सपोर्ट करे जिसे दुनिया जानती है, तो वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे होगा जिन्होंने इसको दर्द दिया है। बाकी भाई साहब हैं सुनील पाल जी, आगे की बात सो बताएंगे। आप कॉमेडियन हैं, स्लो को हंसाते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा मुद्दा गमगीन है। एक पुस्तक आपके सामने ही है और फातिमा जी ने लिखा है और इन्होंने अपने दर्द को बयान किया है, इनके साथ जो इंसाफ या नाइंसाफी है हुई है उस बारे बयान किया है। कुछ आप बोलना चाहें? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फातिमा जी इस वक्त जिस दौर से गुजर रही हैं, इनके नाम में ही माँ है, फातिमा को पूरे समाज की तरफ से, पूरे देश की तरफ से एक सपोर्ट मिलना चाहिए। और कानून और न्याय व्यवस्था पे तो हमको हमेशा ही भरोसा है। हमारा देश का कानून जो है, मैं समझता हूँ कि उस न्याय प्रणाली पर, सत्य में जयते पर हमें पूरा विश्वास है। सत्य जो है थोड़ा सा पराजित तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ परेशान ज़रूर होता है। तो सत्य को हम परेशान होता देख रहे हैं, लेकिन न्याय प्रणाली के अगर विषय में कहूँ तो मुझे लगता है कि जुडिशरी हमारी कोर्ट की तरफ से, न्याय की तरफ से एक दिन इनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंसाफ से बड़ा नहीं होता, कानून से बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति वहाँ पर सब एक जैसे हैं, और इसी विश्वास पर जस्टिस जो इन्होंने किताब लिखी है, मैं समझता हूँ कि इस किताब को भी पूरे देश और दुनिया वालों को तक पहुँचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आगे चल के एक नया सबक मिले, रास्ता मिले। और कोई भी माँ फातिमा ना या उनकी जर्नी के हिसाब से, फातिमा जी जैसे सर ने कहा कि सत्य पराजित नहीं सकता, परेशान होता है, और सच में आपकी जीत होगी। और जो पुस्तक में आपने लिखा है, आप उस दर्द को, जैसे आपकी आंखों में मैं देख सकता हूँ, उस दर्द को लोग समझेंगे। और अभी जहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आपसे जुड़ रहे हैं, पूरा आवाम, पूरा हिंदुस्तान आपसे जुड़ेगा, आपको क्या देगा। और फाइनली आप कुछ अगर आवाम से कुछ अपील करना चाहते हैं? बस यही है कि आज जो जिनकी केसेस नहीं भी है कोर्ट में, जिन्होंने धक्के नहीं भी खाए पुलिस स्टेशन में, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज कभी ना कभी अगर फ्यूचर में आप जाएंगे तो आप ये किताब को याद रखेंगे कि कोई भी एडवोकेट को हक नहीं है झूठ बोलने का, किसी विक्टिम का हक छीनने का हक नहीं है। बिकॉज परजुरी जो सेक्शन है कोर्ट में, खुद लॉ खुद कहता है कि आप झूठ नहीं बोल सकते कोर्ट में, तो कैसे आप आके अपने गुनहगार जो भी आपके क्लाइंट है उसको कैसे आप बचाते हो झूठ बोल के? ये बहुत ही शर्मनाक बात है, आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने खुद के लॉ के उल्लंघन कर रहे हो आप। तो ये सभी के लिए है ये पुस्तक, जो कोर्ट केस नहीं लड़ते उनके लिए भी है, बिकॉज आगे आपके बच्चों के लिए शायद ये बदलाव आ सकता है। थैंक यू।